नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 के स्क्रूटनी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मैट्रिक के एग्जाम 2024 में दिए हैं तो आप सबको पता होगा 31 मार्च 2024 को इसका रिजल्ट आया था। लेकिन बहुत से ऐसे छात्र छात्राओं का कहना है कि हमारा नंबर कम है, हम स्क्रूटनी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो फाइनली दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इसको लेकर लिंक एक्टिव अभी अभी कर दिया गया है, जहां से आप अपना रोल कोड, रोल नंबर, पासवर्ड डालकर लॉग इन करके अप्लाई कर सकते हैं। किस तरीके से आपको करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना है। एक सब्जेक्ट के लिए या दो सब्जेक्ट के लिए या तीन सब्जेक्ट के लिए, जितना भी सब्जेक्ट चाहे आप कर सकते हैं। तो लाइव हम आपको एक सब्जेक्ट का करके दिखाने वाले हैं किस तरीके से आप अपना स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आप एंड तक बने रहेगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्क्रूटनी में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको इस वाले वेबसाइट पे आना होगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आएंगे तो एडमिशन के सेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा बिहार बोर्ड 10th स्क्रूटनी अप्लाई ऑनलाइन 2024 का ऑप्शन यानी रीचेक प्रोसेस। इस पे आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस पे बता दे आपको स्क्रूटनी उसे कहा जाता है कि आप कॉपी अपना दोबारा जांच करवाना है। इसमें आपको किसी प्रकार की एग्जाम वगैरह नहीं देना पड़ता है, यानी कि आप एक प्रकार से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को फिर से यानी कि कॉपी अपना दोबारा चेक करवाने के लिए अप्लाई किए हैं। उसके लिए आपको पर सब्जेक्ट 120 रुपया भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे किस तरीके से आपको पेमेंट करना होगा। यहाँ पे आएंगे तो देख सकते इस वाले आर्टिकल पर चलेंगे तो डायरेक्ट लिंक हमने इसी वाले आर्टिकल का दे रखा है, ताकि जैसे उस पर क्लिक करेंगे इस वाले पोस्ट पे चलेंगे। अब चलिए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, कब से कब तक आप करा सकते हैं। तो नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे इसको लेकर नोटिफिकेशन भी रिलीज किया गया, जो कि 3 अप्रैल 2024 से लेकर 9 अप्रैल 2024 तक आप करा सकते हैं, जो कि 120 रुपया पर सब्जेक्ट के लिए आपको देना पड़ेगा। अब चाहे जितना सब्जेक्ट का कराएं, लेकिन एक सब्जेक्ट का 120 रुपया लगेगा आप ये जांच करवाने के लिए। ये नोटिफिकेशन दिया गया। अब आपको लिंक कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो नीचे के स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑफिशियली लिंक दिया गया, देख सकते हैं इंपोर्टेड लिंक बीएसएबी 10th स्क्रूटनी 2024 डायरेक्ट लिंक दिया गया, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2024 अप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्क्रूटनी एंड स्क्रूटनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको लॉग इन करना पड़ेगा। तो लॉग इन तो आप नए हैं स्टूडेंट तो लॉग इन आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास रोल कोड, रोल नंबर, पासवर्ड नहीं है। तो पासवर्ड बनाना पड़ेगा, यहाँ पर न्यू यूजर का जो ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ अपना रोल कोड डाल दीजिए, जो भी आपका जो भी एडमिट कार्ड पर होगा, रोल कोड, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा, उसके बाद पासवर्ड आपको बना लेना है। ठीक है, जो भी आपका पासवर्ड आपको मन है आप नाम डाल दीजिए, @1234 जो भी है, अब अपने अनुसार पासवर्ड बनाकर उसके बाद फिर से यहाँ से रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर सफलतापूर्वक हो जाएगा तो लॉग इन का ऑप्शन पर क्लिक कर देना, वही आपको रोल कोड, रोल नंबर और जो भी आपने पासवर्ड बनाया पासवर्ड डालकर लॉग इन का ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जिसे लॉग इन का ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जैसे आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट में आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आपको सारे सब्जेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, मैथमेटिक्स है चाहे साइंस है जो भी है, उस पर टिक करेंगे और आपको दोस्तों सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको जो है पे का नाउ पे का ऑप्शन आ जाएगा और आपको पे पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले पे वाइज सब पैसा पे क्लिक करना है, जिसके बाद आपको जो है यहाँ पे रीड के पास देख सकते हैं यहाँ पे आपका 4 सब्जेक्ट का इस तरीके से आ गया। और उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे आप कार्ड से हो गया, यूपीआई, क्यूआर कोड सबका ऑप्शन है, हम यहाँ पे यूपीआई डाल देते हैं। 12 रुपये आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा, यूपीआई नंबर हम यहाँ पे डालेंगे। आप चाहे तो स्कैन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट रहेगा कि आप यहाँ पे यूपीआई डाल दीजिए। यहाँ पे हम पेटीएम का यूपीआई आईडी डाल देते हैं और उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है इस तरीके से। अब वेरीफाई हो गया, नाम आ गया, यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे हम क्लिक करते हैं और पेमेंट कर देते हैं। देखिए लाइव होगा जो भी चीज़ होगा ना, तो आप टेंशन नहीं लीजिए, यहाँ पे हम लाइव यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम पेमेंट अपना यूपीआई आईडी डाल दिए और यहाँ पे पेमेंट मेरा जो है सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया, देख सकते हैं। अब वहाँ पे टाइमिंग चल रहा है ऑटोमेटिक, वो देखिए रिडायरेक्ट हो जाएगा आपके सामने में, पैसा बिल्कुल नहीं फंसेगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। तो ये जो है ये यहाँ पे जो प्रक्रिया है क्या है कि अगर आप साफ सुथरा काम करते हैं, नेट अच्छा है, तो आपका पेमेंट इस तरीके से सक्सेस हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट वाले ऑप्शन पे, तो आपका पेमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको पेड दिखाएगा और इस तरीके से आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई करेंगे, आप चाहे तो दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको प्रिंट पे क्लिक करके आप जो है पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपना स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं रीचेक के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। अगर आपका पेमेंट किसी स्थिति में फंसता है तो 24 से 48 घंटा में उसका
निवारण जो है निकाल दिया जाएगा। और आप मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।